महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर संगम नोज पर स्नान कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज महाशिवरात्रि का ये पर्व है जिसमें विशेष रूप से महादेव की पूजा अर्चना की जाती है और उसी को लेकर आज देखें यहाँ पर संगम नगरी में यहाँ पर संगम किरेती और संगम नोज जो आप देख रहे हैं गंगा यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती की जो ये अविरल धारा है उसमें लोग स्नान कर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आप देख रहे हैं आए हुए हैं और कुछ यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये जो विशेष पर्व है महाशिवरात्रि का उसको लेकर क्या कहना है, कहाँ से आई हैं और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आप लोग यहाँ स्नान कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हम लोग बलिया से आए हैं, यहाँ रहते हैं इलाहाबाद में, रेलवे कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। बहुत आनंद मिला है गंगा जी में नहा करके। आज महाशिवरात्रि है, शंकर जी का दिन है आज। बहुत अच्छे से पूजा उजा हम लोग किए सब सखी मिल करके। बोलिए सखी, पूजा तो आप यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से आज ये सुंदर जो दृश्य देखने को मिल रहा है, जो पूरा देख रहे हैं आप, पूरे संगम नगरी में भक्तिमय बना हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, महाशिवरात्रि के विशेष पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके नहा करके, बहुत अच्छा। हम लोग तो अक्सर आते हैं, हम लोग रेलवे कॉलोनी से आए हैं, मैं चंदौली की रहने वाली हूँ, और यहाँ पे सब सखियों के साथ में नहा करके बहुत अच्छा लगा। सखियों के साथ नहा कर बहुत आनंदित महसूस कर रही हैं ये लोग। देखिए नहा कर कुछ देर से यहाँ पर खड़ी थी, उसके बाद मन में ये लोग भजन महादेव का गुनगुना रही थी, उसके बाद अभी मैं आपको भजन भी इनसे सुनवाऊंगा और यहाँ पर कुछ लोग इनसे भी जान लेते हैं, कैसा लग रहा है आपको महाशिवरात्रि? हमको बहुत अच्छा लग रहा है गंगा जी नहा के, महाशिवरात्रि पर्व पे आए हैं, राम बल्लभ कॉलोनी से आए हैं नहाने, पांच सखियां मिल के गाना भजन गाते गुनगुनाते बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा आते हैं हम लोग, हमेशा गंगा मैया बुलाती है, हम लोग हमेशा आते हैं, इनकी कृपा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग हर पर्व पर रामबाग से आते हैं, सारे कॉलोनी के लोग एक साथ एकत्रित होके हम लोग देखिए यही एक बहुत विशेष जो है यहाँ का महत्व है माँ गंगा। ये जो अदृश्य जो पूरे तीनों नदियों का जो संगम है ये यहाँ पर बुलाती है और खींच लाती है, कहीं ना कहीं सभी अलग अलग जगह से हैं और यहाँ पर सभी लोग आकर एक साथ मिलती हैं, स्नान करती हैं और यहाँ पर माँ गंगा का पूजा अर्चना करती हैं। अब हम चाहेंगे इनसे आपको सुनवाएंगे जो भजन है, गुनगुनाएंगे आप लोग आज महादेव के शिव पर्व पर, क्या भजन गा रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, गाइए सुनाइए। भोला महादेव का ये गुजयमान पूरे संगम नगरी में आज देख रहे हैं, जिस तरह से लोग आस्था के वो सैलाब में डूबे हुए हैं और जगह जगह से दूर दराज से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हजारों की संख्या में भोर से यहाँ पर आकर, जो कि आज कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है बहुत कम थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग घर से निकल कर यहाँ पर बड़ी दूर दराज से लोग एक बार फिर से, ये अगर कहा जाए तो कुंभ का आखिरी स्नान पर्व होता है ये छठा महाशिवरात्रि के पर्व पर, इसके बाद यहाँ पर जितने भी बहुत सारे
ऐसे कल्पवासी है जो अब भी संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे हैं और इस महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के बाद सभी यहाँ से फिर अपने घर को रवाना होंगे। आपको इसी तरह से और लोगों के पास ले चलेंगे, दिखाएंगे आज किस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ लोग मना रहे हैं, आस्था के साथ आरती भजन अर्चना जिस तरह से महाशिवरात्रि का ये बहुत विशेष पर्व होता है आप जानते हैं। आज के दिन लोग व्रत रखते हैं, उसके बाद मंदिरों में पूजा करते हैं और जागरण करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव से आराधना करते हैं। और हमारे साथ मार्ग मेला अधिकारी हैं, हम इनसे बात करेंगे किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। सर, आज महाशिवरात्रि के पर्व पे कैसे किस तरह की व्यवस्था जी? महाशिवरात्रि का पर्व है और प्रातःकाल से संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर स्नान हो रहा है। लगातार लाखों की संख्या में आप देख रहे हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। एक हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सारा पुलिस का व्यवस्थापन कर रखा है, जिसमें जल में सुरक्षा देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग की हुई है, जाल लगाया गया है, रिवर लाइंस के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान, प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस के लोग, SDRF की टीम, NDRF की टीम, ये सारी जल में मौजूद है। एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना जल में की गई है, रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था जल में है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े इसके लिए 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही लगभग दोपहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि सुगमता से लोग अपने स्नान घाट तक पहुंच सकें। पूरा माघ मेला CCTV कैमरे से आच्छादित है, ICCC सक्रिय है, खोया पाया केंद्र सक्रिय रखा गया है। जो मेले क्षेत्र में जो शिवालय हैं, नागवासुकी जी का मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर और नागेश्वरनाथ जी का मंदिर, यहाँ पर भी पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है, सादे कपड़ों में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। RAF की टीम यहाँ मौजूद है, ATS के कमांडोज मौजूद हैं, घुड़सवार पुलिस, अन्य सारी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे लोगों से यहाँ जो आए हैं? जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो घाट हम लोगों ने तैयार किए हैं उन घाटों पर ही स्नान करें। जो घाट प्रतिबंधित हैं, स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है, जहाँ पर जल गहरा है वहाँ पर स्नान न करें। जो पार्किंग के प्लेसेस बनाए गए हैं, निर्दिष्ट स्थानों पर ही पार्किंग करें और जागरूक रहें। और चूंकि ये मेला ज्वलनशील पदार्थों से बनता है, कहीं पर घास फूस पुआल लकड़ी है वहाँ पर अनावश्यक ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि अग्नि से संबंधित कोई घटना दुर्घटना हो सके। जब जल में डुबकी लगाएं तो जो रिवर लाइन्स है, रिवर लाइन के बियॉन्ड जाके स्नान न करें जिससे कि किसी प्रकार की उनकी जान को जोखिम हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ही क्या कहते हैं राजू नारायण मिश्रा जी, तो जो मेला अधिकारी हैं और पूरी व्यवस्था जो है यहाँ चाक चौबंद है, पूरी व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बताया, जिस तरह से लोगों को भी कहा कि यहाँ जो नहाने के जो बनाए गए हैं स्थान उस पर उपयोग करें। आप देख रहे हैं प्रयागराज से संवाददाता सतन पटेल की रिपोर्ट।